तो अगर आप हरी सब्जी खाके बोर हो गए हैं तो एक बार मेरे इस तरीके से बेसन की ट्रेडिशनल सब्जी जरूर बनाएं। बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही कम तेल और बहुत ही कम समय में बन जाता है और स्वाद ऐसा कि आपको बार बार बनाने को मजबूर कर दे। और जो लोग फिश करी नहीं खाते हैं उनको तो ये सब्जी जरूर ट्राई करना चाहिए, बिल्कुल सरसों वाली फिश करी का फ्लेवर आता है। तो इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ एक मिक्सिंग बाउल में एक कप बेसन लिया है और इसमें मैंने डाला है एक हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट। तो इसको एक बार मिला लेंगे और बारीक कटा हुआ मैंने इसमें धनिया के पत्ते डाले हैं और बहुत थोड़े से मैंने इसमें मसाले डाले हैं। तो हम यहाँ ज़्यादा मसाले अभी नहीं डालेंगे। एक चम्मच मैंने छोटी चम्मच ये जीरे का पाउडर है, लाल मिर्ची स्वादानुसार है और धनिया पाउडर है एक छोटी चम्मच और मैंने इसमें स्वादानुसार नमक डाला है। तो लाल मिर्ची और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ही डालें और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक पतला सा हम इसको बैटर बनाएंगे। तो एक ही बार हम पानी नहीं डालेंगे ताकि इसमें गाँठे ना पड़े। और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैंने यहाँ पे एक पतला पेस्ट बनाया है, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है मुझे। बस एक कप बेसन में मैंने यहाँ एक कप पानी का इस्तेमाल किया है। तो बिल्कुल ऐसा ही बैटर हमें चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है इसको हमें। और इसको हम एक तरफ रख देंगे और इस सब्जी के लिए स्पेशल मसाला बनाएंगे। तो मैंने यहाँ मिक्सिंग जार में एक बड़ा चम्मच पीली सरसों लिया है और एक छोटा चम्मच मैंने धनिया लिया है साबुत, छोटा चम्मच मैंने जीरा लिया है और आधा छोटा चम्मच हम इसमें काली मिर्च डालेंगे। तो सरसों आप पीली ही लें, काली सरसों जो आती है उससे सब्जी का कलर चेंज हो जाएगा। और थोड़े से मैंने इसमें गरम मसाले डाले हैं, जैसे एक बड़ी इलायची, दो छोटी इलायची, दो लौंग और एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का। और इसको हम पहले ऐसे ही सूखा पीस लेंगे, फिर हम इसमें थोड़ा सा 3-4 चम्मच पानी डाल के और एक बार और इसको हम पीसेंगे। तो इस मसाले को एकदम आप बारीक पीसें। तो ये एकदम स्पेशल मसाला हमारा तैयार हो गया है। हम इसमें थोड़ा सा और भी मसाले डालेंगे। मैंने यहाँ हल्दी पाउडर डाला है थोड़ा सा और लाल मिर्ची पाउडर डाला है और साथ ही मैंने यहाँ कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर डाला है जिससे सब्जी में बहुत अच्छा कलर आता है। और इन सारे मसालों को मैंने यहाँ मिला दिया है और उसी मिक्सिंग जार में मैंने यहाँ पे एक छोटा कटा हुआ प्याज और थोड़ा सा लहसुन लिया है और इसको दरदरा पीस लेंगे। हमें बिल्कुल ऐसा ही दरदरा पीसना है इस सब्जी के लिए, ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है। अब हम चलते हैं बैटर की तरफ। तो बैटर एकदम तैयार है। इससे हम सबसे पहले बेसन के चीले बनाएंगे, जैसे हम चीले बनाते हैं ना बिल्कुल ऐसे ही हमें इसको बनाना है। तो इसके लिए मैंने गरम तवे पे थोड़ा सा तेल डाल के और इसे चीले की तरह फैला लिया है। तो इसको हमें दोनों तरफ पलट के नहीं सेकना है, मीडियम फ्लेम पे आप इसको छोड़ दें ताकि ये अंदर से भी अच्छे से पक जाए। और थोड़ा सा किनारों पे मैंने यहाँ तेल डाल दिया है ताकि ये थोड़ा सा अच्छे से पक जाए। और इसको ऐसे ही फोल्ड करके हमें, और ये आराम से फोल्ड हो जाता है, आप किसी भी लोहे के तवे पे भी आप इसको बना सकते हैं और नॉनस्टिक पे भी एकदम आराम से बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। मैंने थोड़ा थोड़ा तेल लगा के इसको दोनों तरफ से सेक लिया है। तो बिना पलटे ही आप इसको फोल्ड करें तब ये आसानी से, ये खुलता नहीं है सब्जी में डालने पर भी। इसी तरीके से हम सारे बैटर से बेसन की कतलियाँ बना लेंगे। अब ग्रेवी बनाने के लिए मैंने यहाँ कढ़ाई में थोड़ा सा पचफोरन डाला है, आप चाहें तो सिर्फ मेथी भी डाल सकते हैं। और इस सब्जी को आप सरसों के तेल में ही बनाएं। ये मैंने जो अपने प्याज पीस के रखे थे वो इसके अंदर डाल दिए हैं और इसको अच्छा ब्राउन होने तक मैंने भून लिया है। हमारे मसाले भी रेडी हैं, अब हम इसको मसाले को हम प्याज के साथ डाल के और अच्छे से इसको भूनेंगे। तो हमने तो पहले ही इसमें हल्दी और लाल मिर्ची मिला रखा है, तो अभी हमें कुछ नहीं करना है। बस आप चाहें तो थोड़ा सा 2 चम्मच में पानी डाल के और मसाले को बहुत अच्छे से हमें भूनना है। तो इस बात का ध्यान देंगे क्योंकि इसमें सरसों है तो हमें इस मसाले को काफ़ी अच्छे से भूनना है। ये मसाले अब भून गए हैं, तेल छोड़ दिया है इसने। मैंने इसमें 2 बड़े बारीक कटे हुए टमाटर डाले हैं और साथ ही मैंने इसमें नमक डाल दिया है ताकि ये टमाटर अच्छे से गल जाएं। तो इस सब्जी में हम टमाटर काट के ही डालेंगे, हमें टमाटर पीस के नहीं इस्तेमाल करना है। और इसको 3-4 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि ये टमाटर अच्छे से गल जाए। और ये हमने सारे बेसन से ऐसे ही फोल्ड करते हुए चीले को और कतलियाँ काट लेंगे इसकी छोटी छोटी। तो देख सकते हैं कि एकदम अच्छे से बना है ये और ये ग्रेवी में डालने पे भी खुलता नहीं है।
और 3-4 मिनट हो गए हैं, एक बार अपने ग्रेवी को चेक करेंगे। देख सकते हैं आप टमाटर अच्छे से गल गए हैं, और एक बार और से चलाते हुए इसको अच्छे से भून लेंगे। तो मसाले भूनने में हमें 5-6 मिनट का टाइम लगता है, और मैंने इसमें पानी डाल दिया है। तो पानी आप थोड़ा ज़्यादा ही डालें, क्योंकि हम इसमें बेसन की सब्ज़ी बना रहे हैं और बेसन पानी सोखता है। तो मैंने यहाँ पे 3 कप पानी का इस्तेमाल किया है। तो आप ग्रेवी अपने हिसाब से पानी इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं। चावल के लिए बना रहे हैं इसलिए थोड़ा ग्रेवी ज़्यादा बनाएंगे। तो 2 मिनट बाद देख सकते हैं ग्रेवी अच्छे से पक गया है। और अब हम इसमें अपने जो बेसन की चीले की हमने कतलियाँ बना के रखी हैं वो इसके अंदर डाल देंगे। और इसको डालने के बाद हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ 1 या 2 उबाल आने दें इसमें। और ये सब्जी लगभग रेडी ही है। और इसके साथ ही मैंने इसमें कुछ बारीक कटे हुए धनिया डाल दिए हैं, जिससे इसका स्वाद काफ़ी बढ़ जाता है। बस हमारा सब्जी रेडी है परोसने के लिए, और इसको गैस को मैंने बंद कर दिया था। अब देखिए कितनी टेस्टी सब्जी बनी है, इसको देख के किसी के भी मुंह में पानी आ जाए। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो इसे लाइक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि बाकी की वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।